हेलो दोस्तों स्वागत आपसे कि मैं चैनल द रियल स्टडी कलम में दोस्तों जैसा कि 28 तारीख को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था एस की तरफ से जिसमें बताया गया था जिनका भी कॉलेज रामजिस है उनका शिफ्ट कर दिया गया है ठीक है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दी थी कि जिनका भी कॉलेज रामजेस है तो उनका शिफ्ट करके दूसरे कॉलेज में कर दिया गया है जो दौलत राम के कॉलेज के अपोजिट है ठीक है तो नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये अट्ठाईस तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था एस एल की तरफ से जिसमें बताया गया था जिनका भी रामजीस कॉलेज है उनका शिफ्ट कर दिया गया है तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा था एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड तीस मई दो यानी जो भी एग्जाम तीस मई को कंडक्ट करवाया जाएगा वो रामजी कॉलेज में नहीं होके अब डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन कॉलेज में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जिनका भी तीस को एग्जाम था ठीक है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के बताया भी था कि जिन बच्चों का भी एग्जाम तीस तारीख को है तो उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम इस कॉलेज में करवाया जाएगा ठीक है तो अब कई यूट्यूब पे वीडियो आ गई एक ने जैसे वीडियो बना दी कि जिनका भी कॉलेज पहले रामजस था अब उनका चेंज कर दिया गया है ठीक है तो जितने भी सेमेस्टर वाले बच्चे एनुअल मोड वाले बच्चे हैं जिनके भी एग्ज़ाम जून में कंडक्ट होंगे सभी के एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिए गए हैं तो कई सारे बच्चे अब इसके ऊपर वीडियो बनाने लगे कि सभी के एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो गए हैं अब बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ गए कि सर हमारा तो एडमिट कार्ड में अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है और आपने बताया अपने एडमिट कार्ड में देखो आपका कॉलेज चेंज हो गया होगा और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था तो पिछली वीडियो में कि जिनका भी दोस्तों तीस तारीख़ को एग्ज़ाम है सिर्फ उन्हीं का चेंज हुआ है तो इसको लेके मैंने एस से बात करी थी कि सभी बच्चों का हुआ है या जिनका तीस तारीख़ को एग्ज़ाम है सिर्फ उनका ही हुआ है अब कुछ लोग यूट्यूब पर ऐसे हैं जैसे एक बंदे ने बता दिया कि सभी का एग्जाम सेंटर चेंज हो गया तो सभी ने लगातार वीडियो बना दी कि सभी बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो गया अपना एडमिट कार्ड चेक करें दोस्तों पहले क्लियर कर दो फिर उसके बाद बता दो बच्चों को कि हाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है तो इसको लेकर मैंने एस से बात करी थी आज तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया है ठीक है तो पहले रिप्लाई देख लो कि एस की तरफ से क्या रिप्लाई आपका सेंटर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने एस से मैसेज करके पूछा था जो एस का चैट बॉक्स है उन्हीं से मैंने मैसेज करके पूछा था कि आपका कॉलेज शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखिए मैंने मैसेज क्या किया है सर जो एग्ज़ाम सेंटर चेंज हुआ है रामजे कॉलेज ये सिर्फ तीस को जो एग्ज़ाम है उनके लिए है ना बस तो पहला तो मैसेज ये क्या था जो तीस का एग्जाम है कि उनके लिए ही है ना बस फिर दूसरा मैसेज क्या किया है कि सर सभी बच्चों का हुआ है ठीक है कि सभी बच्चों का हुआ है जिनका एग्ज़ाम चार को है उनका भी चेंज है रामदेश कॉलेज तो ये मैंने मैसेज करके पूछा था उनसे अब नीचे देखिए रिप्लाई क्या है उनका तो प्लीज़ बोल दिया था सर बता दीजिए तो उनका रिप्लाई सिर्फ ये आया था ठीक है ओनली तीस तो इन्होंने साफ बता दिया कि सिर्फ जिनका तीस को एग्जाम है उन्हीं का एग्जाम सेंटर चेंज हुआ है तो तीस को एग्जाम सेंटर चेंज हुआ है वही इन्होंने मेरे को नोटिफिकेशन भेज दिया है ठीक है तो अब आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जिनका भी तीस तारीख को एग्ज़ाम था सिर्फ उन्हीं का एग्जाम सेंटर चेंज हुआ था जिनका रामजेश कॉलेज था तो दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया था जिनका तीस तारीख को ओनली एग्ज़ाम था ठीक है जो भी आप सभी का डाउट था वो क्लियर हो गया होगा और कई यूट्यूबर ने आप सभी को बता दिया था कि अपना एडमिट कार्ड देखिए उसमें कॉलेज चेंज हो गया है अभी भी आप लोग अपना एडमिट कार्ड देखेंगे वही कॉलेज लिखा हुआ आ रहा होगा ठीक है जो आपका रामजेस कॉलेज है वही लिखा हुआ आ रहा होगा जो फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चे हैं ठीक है तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड चेक करो या ना करो कॉलेज आपका वही है ठीक है सिर्फ जिनका तीस को एग्जाम था उन्हीं का चेंज हुआ था एग्ज़ाम सेंटर और दोस्तों अब मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए हैं ठीक है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो मैंने क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करवाए हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग भी उनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना और अब शुरू करूँगा आपको आंसर प्रोवाइड करवाना तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने भी बच्चे हैं मुझे भी अच्छा लगेगा ठीक है सपोर्ट बना के रखो